बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश बीजेपी के सूत्रों के अनुसार पार्टी ने प्रदेश के 15 जिलों के बीजेपी जिलाध्यक्षों को कार्यमुक्त कर नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी सबसे पहले प्रदेश के मालवा निमाड़ और विंध्या के संगठन से सर्जरी शुरू करने जा रही है, जिसके लिए गोपनीय तरीके से जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जा रही है। बीजेपी ने प्रदेश संगठन के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के जरिए जिलाध्यक्षों की जानकारी मंगवाई, जिसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। झारखंड के विधायकों के रायपुर के एक रिसोर्ट में ठहरने पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्माने लगी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को चुनौती देने वाले अंदाज में कहा है कि छत्तीसगढ़ का अयाशी का अड्डा मत बनाइए। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा, जब बीजेपी दूसरे दलों के विधायकों को उठाकर ले जा रही थी तो रमन सिंह चुप क्यों थे? दूसरी पार्टी के विधायकों को उठाकर ले जाने की परंपरा को बीजेपी ने ही शुरू किया है। सीएम भूपेश बघेल जल्दी ही नए जिलों की घोषणा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सीएम भूपेश बघेल 2 और 3 सितंबर को एक भव्य समारोह में मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई को नए जिलों का दर्जा देने की घोषणा करेंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में नए जिले बनने के बाद जिलों की संख्या 31 हो जाएगी। गणेशोत्सव पर बाजारों में रौनक है। 2 साल बाद व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। 2 साल बाद इस साल गणेशोत्सव का त्यौहार कोरोना से पूरी तरह मुक्त होकर मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी अवसर पर बाजार गणेश में भक्तिमय हो गया है। दुकानों पर रंग बिरंगी गणेश मूर्तियां रखी नजर आ रही हैं, जो 50 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक में बिक रही हैं। शहर के लोगों में इस बार पर्यावरण की जागरूकता देखने को मिल रही है। गणेश भक्त POP की मूर्ति की जगह मिट्टी से बनी गणेश मूर्तियां खरीद रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयली बेड़ा के संबलपुर गांव के स्कूल में ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। स्कूल समिति के सदस्यों के साथ शिक्षकों के द्वारा दुर्व्यवहार करने के आरोप में ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाया। ग्रामीणों ने स्कूल समिति पर मासूम बच्चों के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। ग्रामीण लोग जिला प्रशासन से स्कूल समिति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर जा रही एक तेज रफ्तार बस ने कुसमैली पेट्रोल पंप के सामने एक्टिवा सवार युवती को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में आग लगा दी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया और वहीं बस में सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए परिजनों और अन्य लोगों ने पुलिस के सामने ही बस को आग के हवाले कर दिया। धमतरी जिला जेल के भीतर छेड़खानी मामले में एक कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक को छेड़खानी के मामले में 1 साल की सजा हुई थी। पुलिस युवक के जेल के अंदर आत्महत्या करने की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 7 दिवसीय हाथी महोत्सव का शुभारंभ ताला के रामा कैंप में हुआ। बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हाथी महोत्सव को लेकर ताला में खासा उल्लास और उत्सव का माहौल है। हाथियों को देखने और उन्हें फल खिलाने के लिए पर्यटक दूर दूर से पहुंच रहे हैं। हाथी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर हाथियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया और 14 हाथियों को सुबह नहलाकर तेल मालिश कर उन्हें रोटियां, नारियल, केले सहित गुड़ और विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाए गए। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार ने निशुल्क साइकिल वितरण योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत रीवा जिले में छात्राओं को लंबे समय से साइकिल वितरित ना होने के चलते बहुत सी साइकिलें खराब हालत में पहुंच गई और चलने लायक नहीं रही। इन सभी साइकिलों को मेंटेनेंस की जरूरत है, लेकिन छात्राओं को खराब हालत में ही साइकिल वितरित कर दी गई। जो साइकिल छात्रा को वितरित की गई उसमें ज्यादातर साइकिलों के टायर ट्यूब के साथ साथ चैन और उनके ताले भी खराब हैं। छात्राओं को जब साइकिल वितरित की गई तो उनकी हालत ऐसी थी कि छात्राएं इसको चलाकर स्कूल तक नहीं जा सकती थी। मजबूरन छात्राएं इन साइकिलों को 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल धकेल कर ले गईं।